दोस्तों, ज्यादातर लोग सौंफ का इस्तेमाल अपना खाना खाने के बाद करते हैं, अपने डाइजेशन को ठीक करने के लिए। पर क्या आप जानते हैं कि सौंफ का इस्तेमाल ना केवल डाइजेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है, बल्कि सौंफ का इस्तेमाल अपने शरीर की बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ सौंफ से बनी एक ऐसी चाय के बारे में, जिसे अगर आप सुबह खाली पेट लेते हैं तो आप अपने शरीर की बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। सौंफ जो हमारे घरों में आसानी से मिल जाती है, सौंफ हमारे शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करने में काम आती है। जैसे अगर हम बहुत ज्यादा इरिटेट रहते हैं, हम बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हमारे अंदर रहता है, बहुत ज्यादा हमें गुस्सा आता है, या फिर आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस भरी लाइफ है तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। आजकल ज्यादातर लोग मोटापे को लेकर परेशान हैं, तो मोटापे से हम परेशान हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस अलग हमारा वो रहता है। और मोटापे की अगर बात करी जाए तो ये जो सौंफ की चाय है हमारे मोटापे को भी दूर करती है। तो फ्रेंड्स, जैसे अगर हमें डायबिटीज है तो डायबिटीज में भी ये फायदा करती है। सेकंड, अगर हमारे बॉडी में वायु बढ़ गया है, हम बहुत उम्र दराज हैं, ज्यादा उम्र के हैं, एक साथ बॉडी में हमारे 5-6 बीमारियां लगी हुई हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे घुटनों में, हमारे जोड़ों में दर्द रहने लगता है। उस दर्द से निजात पाने के लिए भी सौंफ की चाय जो है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर हमारा हेयर फॉल हो रहा है, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और बालों का झड़ना रुक नहीं रहा है, तो ये जो हमारी सौंफ की चाय है ये उसमें भी बहुत फायदा करती है। हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये छोटे हैं ये बड़े हैं, आजकल सब पढ़ाई करते हैं, सबका आजकल ऑनलाइन वर्क होता है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। बहुत चीज़ें हम याद करते हैं, पढ़ते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, तो स्मरण शक्ति को बढ़ाने में भी ये चाय जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चाय को कैसे बनाना है तो हम जानते हैं इस चाय को बनाने का, कैसे इसे हमें बनाना है। तो चलिए इसको बनाते भी हैं और साथ के साथ इसके और फायदे हम चाय बनाते बनाते आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हमें एक गिलास पानी एक बर्तन में ले लेना है और फिर हम इसमें एक चम्मच सौंफ डाल देंगे। अब हमें इस पानी को तब तक बॉईल करना है जब तक ये 3/4 पानी ना रह जाए, मतलब हमें इसे 1/4 गिलास पानी होने तक पकाना है। दोस्तों, सौंफ से बनी चाय किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति किसी भी समय पर ले सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर होगा कि इसे आप सुबह के समय खाली पेट लें, क्योंकि जब हम सौंफ को सुबह खाली पेट लेते हैं तो इसके जो फायदे हैं, इसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट शामिल होते हैं जो 3 से 4 गुना बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इसका जो फायदा है, सुबह खाली पेट इसकी चाय ली जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। फ्रेंड्स, अभी हमारा पानी जो है वो 3/4 तक रह गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच ये राई डालेंगे हम इसके अंदर, और अब इसे हम 1/2 गिलास होने तक पकाएंगे इस पानी को। फ्रेंड्स, ये राई आपकी सौंफ के साथ मिलकर बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने में मदद करती है। तो इसीलिए सौंफ को और राई के, अब इसे अच्छे से हमें पकाना है जब तक 1/2 गिलास पानी ना रह जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा पानी देखिए जो पक्के सौंफ और राई वाला अब 1/2 गिलास रह गया, तब अभी से हम छान लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इस पानी में, अब हमें अगर हम डायबिटीज पेशेंट नहीं हैं तो हम इसमें शहद मिला लेंगे, और अगर हम डायबिटीज हैं तो हम शहद नहीं मिलाएंगे। अगर आप चाहें तो इसमें शुगर फ्री मिला सकते हैं, शहद आप ऑप्शनल है। वैसे भी अगर शहद हम सिर्फ मिठास के लिए इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से ये हर्बल ड्रिंक बन गई है, तो ओनली अगर आप नहीं भी चाहें तो शहद आप ना भी डालें, क्योंकि जो वर्क करना है वो राई और सौंफ ने करना है।
तो फ्रेंड्स, आप इस सौंफ की चाय को रोज सुबह खाली पेट लीजिए और आप महसूस करेंगे कि आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे हैं। आपकी बॉडी धीरे धीरे डिटॉक्सिफाई होती जा रही है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये सौंफ की टी, हर्बल टी जो आपको पसंद आई, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, बिल्कुल भी मत भूलना। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।